हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से जो सीटी के एग्जाम्स लिए जाते हैं वो कब तक हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डेट्स पहले भी आ चुके हैं और आगे भी अभी तक कुछ कंफर्म डेट नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बीच में कुछ अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके पास से एक स्टेटमेंट आया था, तो उसके जरिए हम लोग थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डेट कब तक आ सकते हैं और कब तक एग्जाम हो सकते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, और उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे एजुकेशनल अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। तो देखते हम लोग, हमारे पास एक आर्टिकल है जो आपके पेपर में आया था, लोकमत पेपर में आया था। देखिए यहाँ पे दो चीजें बताई गई है। पहली बात तो यहाँ पे बताया है कि सीईटीचा निर्णय अजूनही अदांतरित, उदय सामंत यांची माहिती। मतलब उन्होंने बताया है कि अभी तक सीईटी के बारे में कन्फर्मली हम लोग बता नहीं सकते कि कब ये एग्जाम कंडक्ट की जा सकती है। और दूसरा एक और भी पॉइंट यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हो, आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाल्यास 12वीच्या गुणावरच प्रवेश दिल्या जाण्याचे संकेत। तो ये भी एक पॉइंट्स आपको ध्यान में देना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो रही है जिसमें आप लोग एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पाएंगे तो इसमें आप लोग के जो 12 के मार्क्स है उसके बेस पे भी शायद क्या हो सकता है, आपको फर्दर मतलब इंजीनियरिंग वगैरह या फार्मेसी के लिए एडमिशन मिल सकता है। तो इन डिटेल में देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या बोला गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 5.5 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया है सीटी के लिए, और उनके लिए सब अरेंजमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। उसके लिए सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, डिस्टेंसिंग वगैरह रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह रहेगा, एट द सेम टाइम पे सेंटर अवेलेबिलिटी चेक करना पड़ेगा। तो वो सब चीजें आपको अभी यहाँ पे क्या बोला गया है, सर्वेक्षण में है। मतलब इसका अभी तक क्या चालू है, सर्वेक्षण चालू है। तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 7-8 दिवस त्याबाबतचा अहवाल आल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल। तो यहाँ पे ये बात फिक्स हो रही है कि 7-8 दिन के अंदर आपको फाइनल डेट पता चल जाएगा कि आपका सीटी का एग्जाम किस तरह से और कब तक हो सकता है, और ये जो एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं ये करेंगे या नहीं करेंगे ये भी आपको पता चल सकता है। यहाँ पे देखिए और कुछ बातें बताई गई है, जैसे कि आपको पता है कई संस्था शाला आणि वसतिगृहात क्वारंटाइन ची व्यवस्था करण्यात आली आहे। जैसे कि कुछ सेंटर्स पे मतलब जो स्कूल है या कुछ वसतिगृह वगैरह रहेगा, हॉस्टल्स वगैरह, वहां पे आप लोग को पता है कोविड-19 के केसेस जो है उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो ऐसे प्लेसेस है वहां से उनको निकाल के फिर मतलब वो प्लेसेस अवेलेबल हो सकते हैं या नहीं, ये सब चीजों का स्टडी चालू है। और ये सब चीजों का जो स्टडी है कि आने वाले 7-8 दिन में होके फिर उसके बाद उनके पास एक क्या आ जाएगा, रिपोर्ट आएगा, और उस रिपोर्ट के बीच में वो लोग जो सर्व विद्यार्थी विद्यापीठांचे कुलगुरु आहेत, मीन्स जो हेड्स रहेंगे उनके साथ डिस्कशन करके ये सब चीजें होने वाली है। मतलब फाइनल कर देंगे कि आपका जो सीईटी का एग्जाम है वो कब तक हो सकता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया है कि आने वाले 7-8 दिन और आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। अभी उसके बाद ही डिसीजन हो सकता है कि एग्जाम कब होगी और किस तरह से होगी। आई होप कि मैंने जो बातें बताई है वो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।